चोंच से ना उसने चुग्गा भी मिलेगा। और पशु, पखेरु, पक्षी, जानवर ये सारे तड़के भूखे उठे जरूर से, पर रात ने भूखे सोते को ना छक्के सोवे से। और यो राम से ना, यो राम कीड़ी का कण और हाथी का मन देके गाले से। अर माँ तू खाम खाए चिंता कर रही से, मैं रही यार, मैं रखूंगी अपने भाई का ध्यान। देखे रवि की माँ, मारे एक नहीं मारे दो छोरे से, मारी छोरी के छोरा तक कम से। और तू देखिए एक दिन पढ़ लिख के और मेरे दोनों बालक अफसर लागेंगे और पूरे देश में मारा नाम रोशन करके दिखावेंगे। रवि के बाबू नू तो मन्ने भी बेरा से, अक मारी छोरी छोरा तक कम को ना, पर छोरी तो पराया धनोस है, इसने तो एक दिन दूसरे घर जाना से, फिर क्या होगा मारे छोरे का, फिर कौन इसकी सेवा पानी करेगा। मैंने तो यह चिंता खाए जा से। ए माँ, मेरा भाई इतना इंटेलिजेंट है, देहरादून तो यो कोर्स करका रहा, एडिटिंग का काम यो जाना है, अरे बागे पढ़न लाग रहा, तू क्या की भड़क ले रही से। ए बेटी, या तो खाम खा भड़क ले रहे से, भगवान तू छोड़ दे ना सारी बातन है, और तू एक काम कर, मने भूख लाग रही से, तू मने दो रोटी खवा दे। अरे भाई सारी आनी इस फोन में बढ़िया रहे, बेरा ने यो मास्टर भी के चरड़ चरड़ करे जासे। ये यू तेरी समझ में ना आवे, तू इसने छोड़। तुनो बता, आज तुम सुबह सुबह के बात कर रहे थे? अरे तू तो सुत्या पड़ा था जब हम बात करा थे, तन्ने क्यों कर सुनगी? ए मैं बेशक तो सुत्या पड़ा हूँ, पर मैं थारी सारी बात सुनू था। अरे भाई तू तो बहुत बड़ा फंडी फेरता है, तू मारी सारी बात सुन गया और तने सांस तक नहीं पाड़ा। फिर यह तो मेरे अंदर बहुत बड़ी कलाकारी है। अच्छा डट जा कलाकार, इब दिखाओगा तुम्हारा साइकिल अरमदारी का खेल। अरे आज तुमने दोनों ने केप आ गया, जो दांत पाड़ पाड़ का सन लाग रहे सो। माँ देख ले तेरी लाडली मने मदारी बतावे है। आए तने यो मेरा गाबरू छेल सा छोरा कितना मदारी दिखा। ए माँ तने ना बेरा इसका, सवेरे यो जाग था और पड़ा पड़ा मारी सारी बात सुन गया, देख ले इसके चाले। अरे रवि ये कितना लग रही तेरी बेबे, तू सचे में जाग था? ना माँ मैं तो सुत्या पड़ा था, और तड़के जब तेरी आँखें में आंसू आए तो मेरी नींद खुल गई थी, और मैं उठ लिया, मैंने थारी सारी बात सुन ली। भाई माँ की आँखें में आंसू आए तन्ने क्यों कर बेरा लग गया? बेबे माँ बेटे का प्यार ही सायो है, और माँ की ममता भी सी हो अपनी औलाद खतर। असली औलाद के तो यह पहचानो से, जो माँ बाप के दर्द ने बिना देखे समझ ले। और मेरे बेटे की तो नींद भी खुल गई अपनी माँ की आँखें मासू आनते। माँ मने भगवान तो नहीं देखे, पर मने इतना जरूर बेरा है मेरी खातर मेरे माँ बाप तो बढ़कर कोई भगवान नहीं से। और इस प्रकार समय बीतता रहा, दोनों भाई बहन अच्छी पढ़ाई करते रहे और अच्छी डिवीजन से पास होते रहे। एक दिन उनके घर में डाकिया चिट्ठी लेकर आता है, चिट्ठी पढ़ने पर पता चलता है कि रवि की हाई लेवल की नौकरी लग चुकी है और दो दिन बाद उसे नौकरी पर जाना है। घर में खुशी का माहौल है। आगे ठीक से बेटा। रवि के बाबू आज तो मेरा जी हा घबरावा है। के बात होगी, पानी पी ले, आराम कर ले थोड़ी बार, हो जाएगी ठीक। अरे देख मेरे तो रवि ने ना बेचने का कती जी नहीं करता, बेरा ना तड़किया के उल्टे सीधे से ख्याल आने लाग रहे समझ ते। ओहो वे न्यू आवेश है, आकाश थी हमने कदे रवि एकला करता बार भेजा को ना, और कोई बात ना थोड़ी बार आराम कर ले हो जाएगी ठीक, तेरा तो खाम खाकाल जा बैठा जा से, लौट जा आराम कर ले। रवि के बाबू मेरे मन में आज बहुत गलत गलत विचार आने लाग रहे से, थम मत जाओ रवि ने मत ना भेजो। मत ना भेजो रवि ने। रवि बेटा। हाँ बाबू। आजा आजा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, शाबाश। माँ के बात है, आज किसी उदासी हो रही है, रो बेटा। बेटा तू असमझा तेरी माँ ने, यानू कैसे है अगर रवि ने ड्यूटी पर मत जान दे
और उसने आड़े राख ले कि मैं बुरा हो जाएगा। माँ किसी बात करे है तू, जब मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा तो थरी मेहनत का क्या फायदा, और क्या बुरा हो जाएगा जब मैं ड्यूटी पे चला गया। ना मारोगा ना बेटा, मेरा तो तेरे बिना कति जीना लाग गए। माँ चिंता ना करे, मानदा रहूंगा और तेरे तेरे फोन करता रहूंगा, तू चिंता ना करे, बस चुप हो जा। माँ मेरी गाड़ी का भी टाइम हो रहा है और मैंने चालन दे, मानदा रहूंगा, तू चिंता ना करे। ले बेटा, तू ना मानता तो तेरे सर पुचकार दूं। ठीक से माँ, चल बाबू चलेंगे। अच्छा बेटा। हाँ पापा। जी मैं आपका पापा नहीं बोल रहा, जिनका ये फोन है क्या आप उनकी बेटी बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हो? जी हाँ दो लोग हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया है, उनके फोन से हमें आपका नंबर मिला, आप जल्दी आ जाइए। ठीक तो है ना मेरे पापा और भाई? जी नहीं। कि वे दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। माँ माँ हाँ माँ हाँ हाँ बेटी क्या हो गया? माँ भाई का पापा का एक्सीडेंट हो गया। माँ क्या हो गया, क्या हुआ है? तू स्टेशन दौड़े माँ चाल है। हाय भाई भाई मैं लाटू थी तू बतना जाओ करते बदले में ये नहीं मानी और तू मेरे छोड़ के चला गया। रवि भाई भाई खड़े हो। अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, अरे तेरे के नौकरी करी, के नौकरी करी, मैं लाटू थी तेने अग नौकरी बतला करे और मेरी नहीं माला, नहीं माला ही हो। हाय हे भगवान, तेरे कौन से जन्म का बदला लिया है ना? आ मेरे बेटा, मेरा बेटा। बस माँ, हे माँ, ए मैं तेरे तड़के आगे कहूँ थी, मेरा जी घबरा हुआ है, मन लगे मेरा या बीमारी आऊगी या बुराई आऊगी। सजनों किसी ने सही ही कहा है कि जिसके नसीब में सुख नहीं है वह चाहे कितना भी खुश रहने की कोशिश करे लेकिन उसे सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा ही कुछ सुनीता के साथ भी हुआ। जिस बेटे के सहारे पर वह अपना समय व्यतीत कर रही थी आज उसी बेटे की आत्मा इस नाशवान शरीर को छोड़कर संसार रूपी पिंजरे से निकल चुकी थी। अब सुनीता के पास रवि और रघुवीर की यादें ही शेष रह गई थी। घर का गुजारा करने के लिए सुनीता ने किसी के घर काम करना शुरू कर दिया। उधर पूनम से माँ की ये हालात देखी नहीं गई और उसने भी किसी के घर काम करना शुरू कर दिया। अब आगे। मम्मी, अरे मम्मी। आंटी तो घर पे नहीं है। अरे पापा। अंकल भी बाहर गए हुए हैं, घर पे बस मैं अकेली हूँ। अच्छा। पूनम छोड़ ना इस काम ने, और मेरी बात सुन। एक बात कहूँ तुझे? क्या बात है केशव बता। पूनम मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मन में तो बहुत दिनों से थी लेकिन मौका आज मिला है। सुन सुन तो मेरी बात। बेशक तो मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ लेकिन मैं अपनी मर्यादा और अपने घर की इज्जत नहीं भूल सकती, और आज के बाद मेरे से ऐसी बकवास मत करना। पूनम तो पागल हो गई है, तू बस एक बार मेरी हो जा, तुझे कहीं काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूनम के बात से बेटी, आज न्यू क्यों कर तेरा मुंह सा उतर रहा से कि मैं बात होगी कि तेरी तबीयत तो ठीक से? ना माँ मैं ठीक सू। माँ तेरा भी चेहरा उतरे और लग गया से,
माँ सिर दुखे से तेरा? ना बेटी, बस हो गया था सिर में दर्द, तू नो कर, थकार का आई होगी, रसोई में रोटी धरी होंगी, खा ले। पूनम, ओ पूनम, मेरे मम्मी पापा आ गए क्या? नहीं, अभी तक नहीं आई। अच्छा, तो क्या सोचा है मेरे बारे में? सोचना क्या था, मैं तुम्हारे घर काम करके अपना घर चला रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी इज्जत नीलाम कर दूंगी। पूनम, मैं तुझे हासिल करके रहूंगा, समझी? ए बेटे पूनम, क्या हो गया? चुप हो जा, बात तो बता। माँ मेरी की इलाज बहुत बुरी बनी। पहला चुप हो जा बेटी, के बुरी बनी है मेरे तो बता, मैं तेरी माँ हूँ, बता बेटी क्या हो गया? माँ सुन, हे भगवान, यो कौन सा दिन दिखा दिया तेने मारती, यो दिन दिखाण दे पहला तन हमारी माटी क्यों ना संगवाली होती। और बेटी, यो समाज अबला नारी का नहीं से, जगह जगह पे हवस के दरिंदे बैठे हैं, और मेरी गैल भी कुछ ऐसा ही होया। माँ, तेरी गैला क्यों होया? के बताऊं बेटी, मरोवे ना, जो होना था सो हो गया, न्यू कर तू बैठ, मैं तेरे ती चाह ले आऊं सु बना के। ना बेटी, आज चाह तू नहीं, आज मैं बना के लाऊंगी, तू आराम से बैठ मेरी बेटी, मैं ई भी लाई चाह बना के। ठीक है माँ। तू पी ले बेटी, मैं भी पी लूंगी, पहला मेरी बेटी थक रही होगी, तू पी ले। ठीक है माँ। हमारे घर का हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया, और इस समाज में जितने अवस के भेड़िये बैठे हैं, इंसान का रूप लिए, उनका तने के करया, तने के करया, मने नू बता।